मध्य प्रदेश के जबलपुर में साइबर फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। एक ही कॉलेज की 70 से ज्यादा छात्राओं को शिकार बनाया गया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। जबलपुर में एक ही गर्ल्स कॉलेज की 70 से ज्यादा छात्राओं को अश्लील मैसेज, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल के जरिए शिकार बनाने का मामला सामने आया है। फ्रॉड कॉल के जरिए छात्राओं को डराकर, धमकाकर उनको ब्लैकमेल किया गया है। क्या है पूरा मामला, आप भी समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की 70 से ज्यादा छात्राओं को 4 दिन से व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो और मैसेज भेजे जा रहे हैं। गुरुवार को छात्राओं ने इसकी शिकायत कॉलेज प्रिंसिपल और पुलिस से भी की। सभी छात्राएं बीए फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर की हैं। छात्राओं ने बताया कि उनके व्हाट्सएप पर गंदे वीडियो और मैसेज भेजे जा रहे हैं। इसके बाद से उनके पास किसी शख्स का वॉइस कॉल और वीडियो कॉल भी आया। वह खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताकर कहता है कि ऐसी चीजें देखती हो इसकी शिकायत पेरेंट से करूंगा, बचना चाहती हो तो पैसे देना होंगे। इस तरह के वॉइस और वीडियो कॉल के बाद कुछ छात्राओं ने फ्रॉड व्यक्ति के खाते में हजारों रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। छात्राओं ने बताया कि 50 से ज्यादा छात्राओं ने घबराकर 3,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक आरोपी के बताए गए नंबर पर ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं। क्या कहना है छात्राओं का, आप भी सुनिए। पहले एक कॉल आया था, उसने बोला मैं गोरखपुर थाने से ऐसा ही विक्रम गोस्वामी बोल रहा हूँ, आपको एक व्हाट्सएप आया होगा, उसमें लिंक होगी, आप वो लिंक पे ओपन करें, उसमें ओटीपी आएगी, जो भी आएगा वो आप मुझे सेंड करें। और मतलब वो फिर न्यूड वीडियोस भेजता है और उसमें बोलता है कि आपकी रिपोर्ट, आपके खिलाफ कंप्लेन है, रिपोर्ट आई है, आपका इसमें फ़ोटो दिख रहा है, अगर आपको नाम हटवाना है तो आप मुझे पैसे भेज दो, वरना मैं आपके घर आ रहा हूँ, आपकी फैमिली में पता चलेगा, फिर आपकी बदनामी होगी, मैं आपकी फ़ोटो वायरल कर दूंगा, ऐसा ऐसा वो बोलता है। तो कई लड़कियों के पास फ़ोन आया था, तो मतलब जो हम लोग का ग्रुप है कॉलेज का, उसमें हम लोग ने कंप्लेन भी की थी, पर कोई एक्शन नहीं हुआ, ये बोला कि बस ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट कर दो। मेरे पास कॉल आया, बोलता है कि मैं विक्रम गोस्वामी, तो बोलता है फिर हाय मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा ये अच्छा लगता है, तुम्हारा वो अच्छा लगता है, पूरा खुल के बताया। फिर गंदी गंदी वीडियो भेजने लगा व्हाट्सएप में, और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारा नंबर वायरल कर दूंगा, तुम मीडिया के सामने बोलना पड़ेगा, तुम्हारे घर पुलिस भेज रहा, अगर तुमने पैसे सेंड ही नहीं की हो तो। 3,000 बोल रहा था, पर मैं और मेरी सिस्टर थी, तो डर के मारे मैंने 1500 वध कर दी रही, तो उस टाइम मम्मी नहीं थी, नहीं तो शायद मम्मी मना करती। वहीं छात्राओं को फ्रॉड कॉल कर पैसे लेने के मामले को लेकर कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया के मुताबिक ये खबर चिंताजनक है। विक्रांत भूरिया का कहना है कि पहले भोपाल में स्कूली छात्राओं ने विरोध आंदोलन किया और उसके बाद जबलपुर की गर्ल्स कॉलेज के साथ पैसे हड़पने का ये मामला प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल है। एक बहुत चिंताजनक खबर सामने आई है। जबलपुर में कई सारी बच्चियों के अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल कराया जा रहा है, और कल ही खबर आई थी कि इस तरह से बच्चियों जो पढ़ रहे हैं उन बच्चियों को सुविधा ही नहीं मिल रही थी और उनको प्रदर्शन भोपाल में भी करना पड़ा। कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में बच्चियों में एक ज़बरदस्त भय का माहौल है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हालांकि जबलपुर पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरा का पूरा मामला फ्रॉड कॉल से जुड़ा हुआ है और पुलिस जिस नंबरों से कॉल आए उसकी पड़ताल करने में लगी है, ताकि लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उनको ये मैसेजेस आए कि यदि आप पैसे नहीं डलवाएंगे, आपके द्वारा इस तरह की वीडियो शेयर की गई है और आपको जो है पैसे डलवाने पड़ेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की जो है जो साइबर फ्रॉड के जो केसेस हैं, इस तरह के मैसेजेस आए, उसमें उनके द्वारा कंप्लेंट की गई है और इसमें FIR रजिस्टर करके और आगे कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के समर्थन में कॉलेज से लेकर थाने तक में हंगामा किया। छात्राओं का कहना है कि 70 से ज्यादा छात्राओं को अश्लील वीडियो और फोटो भेजे गए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्रबंधक का कहना है कि आज ही छात्राओं की शिकायत सामने आई है, कुछ छात्राओं ने डर के कारण पैसे भी दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत जबलपुर कलेक्टर, SP महिला थाने और मदन महल थाने में लिखित में दी गई है।
पुलिस फ्रॉड नंबर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।